नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर पंकज। दोस्तों आज बात करने वाले हैं पान की। दोस्तों हिंदी में पान को तो पानी कहते हैं, लेकिन संस्कृत में इसको तांबूल के नाम से जानते हैं और पान का प्रयोग हिंदू संस्कारों में बहुधा किया जाता है। बगैर पान के कोई हमारी पूजा संपन्न नहीं होती है। तो दोस्तों आज हम पान के बारे में पूरी आपको डिटेलिंग देने वाले हैं। और दोस्तों ये जो आप पान देख रहे हैं ये महुआ वाला पान है, इसकी बहुत सारी वैरायटी होती हैं, इन वैरायटियों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। नर्सरी से ये 100 से 150 रुपए में आसानी से मिल जाता है और पौधे का जैसा साइज होता है उसी हिसाब से इसका रेट होता है। दोस्तों अभी हम आपको छोटा भी पान दिखाएंगे, एक छोटा भी पान हम लेकर के आए हैं जो उसने हमको नर्सरी वाले ने 50 रुपये में दिया हुआ है। दोस्तों पान की लता होती है, माने पान की बेल होती है, और सबसे खास बात ये होती है कि इस पान की बेल में टेंडल्स नहीं पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि पान जो है ये वैसे नहीं चलता है जैसे सेम है या मटर है, जिस प्रकार से उसमें कॉयल सिस्टम में हो जाती है उस प्रकार से नहीं चलता है। दोस्तों पान का बॉटनिकल नेम पाइपर बीटल है और इसकी दोस्तों फैमिली है पाइपरेसी। सामान्यतः हिंदुस्तान में यह मुख्य दुर्गंध, सुंदरता, शुद्धि और श्रृंगार के लिए चबाया जाता है। दोस्तों देखिए ये छोटा वाला पौधा है और इसके प्रत्येक नोट पे देखिए रूट्स का डेवलपमेंट होने लगा है। हालांकि अभी तक हमने इसको ट्रांसप्लांट नहीं किया था, तो आज दोस्तों हम ट्रांसप्लांट करेंगे और इसके बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से इसको मिट्टी की आवश्यकता होती है। दोस्तों पान को उगाना थोड़ा सा मुश्किल है, सामान्यतः बहुत सारे लोग बात नहीं बताते हैं, क्योंकि इसको ज़्यादा धूप की आवश्यकता नहीं होती है, इसको नमी की आवश्यकता पड़ती है, माने इसको अधिक नमी और कम धूप की आवश्यकता होती है। केमिकली जो है पान में बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, जैसे इसमें आयोडीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2 और निकोटिनिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों इसकी जो कैलोरी होती है वो 0 होती है और पान के जो पत्ती होती है इसे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, माने अगर पान आप खाते हैं तो ये आपके शरीर में पानी की पूर्ति भी करता है। बहुत सारे लोग जो हैं पान खाते हैं इसलिए कि उनके मुख से दुर्गंध आती है। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं मिट्टी की। तो दोस्तों ये जो हम इसके लिए स्पेशल मिट्टी बना रहे हैं ये कंपोस्ट है, हमने ले रखी है। इसमें बर्मी कंपोस्ट भी है और इसके अलावा इसमें काउडंग भी है। अब इसमें थोड़ी सी मिट्टी मिला रहे हैं, ये हमारी गार्डन सॉइल है, एक गमले की मिट्टी है, इसको हमने मिला रखा है। इसमें पहले से ही जो है वो सैंड पड़ी हुई है, रिवर सैंड पड़ी हुई है। तो अगर आप इस प्रकार से मिलाते हैं तो रिवर सैंड को अच्छी तरीके से आपको फोड़ लेना है, माने जितनी मिट्टी है उसको बहुत अच्छे तरीके से फोड़ लेना है। मिट्टी की पोरोसिटी को बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। इसकी सबसे बड़ी बात है इसको पानी तो ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन इसको दलदली वाली मिट्टी नहीं चाहिए होती है, माने दलदली वाली मिट्टी में अगर जहाँ वाटर होल्ड हो जाएगा वहाँ पे जो है एक ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हम इसमें कोकोपीट हमने इसमें मिलाई हुई है। दोस्तों देखिए हमने कोकोपीट मिलाई है। कोकोपीट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मिट्टी हल्की हो जाती है और कोकोपीट जो है मतलब भर के लिए पानी का एब्जॉर्प्शन करता है और शेष जो पानी एक्स्ट्रा पानी होता है उसको नीचे जो है छान देता है, निकाल देता है। तो दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है कि मिट्टी जब भी आप इस पान के लिए बनाएं तो स्पेशली इसमें कोकोपीट आपको जरूर मिलानी है। हालांकि हम कभी कोकोपीट के लिए रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, लेकिन पौधे की आवश्यकता के अनुसार ये देखना पड़ता है कि पौधे में क्या ज़रूरत है और इसको किस प्रकार की सॉइल पसंद है। दोस्तों पान को ऐसी सॉइल पसंद है जिसमें वाटर होल्डिंग हो, माने सॉगी सॉइल इसको पसंद है, लेकिन ऐसी दलदली वाली मिट्टी सॉइल पसंद नहीं है, माने अगर क्ले सॉइल में आप इसको लगा देंगे तो ये नहीं चल पाएगा। तो इसमें पोरोसिटी बनी रहे इसके लिए हम इसमें थोड़ी सी रिवर सैंड भी मिलाएंगे। दोस्तों देखिए ये रिवर सैंड है और रिवर सैंड का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक तो इसमें किसी प्रकार का कोई फंगस वगैरह जो है वो नहीं पनप पाता है और जड़ों के लिए एरेशन बहुत अच्छे तरीके से होता है। दोस्तों पान को हम सदैव उगाते हैं पत्ती के लिए, पान का कभी फ्रूट नहीं डेवलप होता है, संभवतः हमने फ्रूट के बारे में पढ़ा भी नहीं है। पान को सदैव पत्ती के लिए ही उगाया जाता है। तो आपको ऐसे केमिकल्स मिलाने हैं जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो, क्योंकि अभी हम पान को लगा रहे हैं, पान को अभी हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हमको NPK दोनों की ज़रूरत है। और फंगस से सेव करने के लिए देखिए दोस्तों हरी वाली जो दवा हम मिला रहे हैं ये साफ नाम का एंटी फंगल है, इसमें कार्बंडाजिम मैंगोजिब है। और दोस्तों देखिए ये हम इसमें मिला रहे हैं NPK, ये जो NPK है ये 1919 वाला NPK हमने लिया हुआ है, बैलेंस मात्रा में लिया हुआ है, इतना ही NPK हम लेंगे।
कि थोड़ा सा इसको रिचार्ज कर देंगे मिट्टी को, जिससे कि बहुत अच्छे से जो रूट्स हैं वो सही से अच्छे से चल जाएंगी। दोस्तों विशेष बात यहाँ पर आपको रखनी है, मैं थोड़ा सा और मैं आपको बताने वाला हूँ कि पान की कुछ वैरायटियाँ अपने भारत में कॉमन पाई जाती हैं, जैसे एक जगन्नाथी पान होता है, बंगाली पान होता है, सांची होता है, मगही होता है, महोबाई होता है, बनारसी होता है और देसी पान होता है। दोस्तों हमने यहाँ पे जो पान एक लिया हुआ है महोबाई पान लिया हुआ है और एक हमने इसमें देसी पान लिया हुआ है। दोस्तों एक सफ़ेद पान भी आता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा पान के जो ग्रोवर्स होते हैं उनको मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों इतना बड़ा हमने अभी थोड़ा सा हमने छोटा सा कंटेनर लिया हुआ है, हम यहाँ पे पान को ट्रांसप्लांट करेंगे। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले हम एक जो कोको पीट है या जो क्वायर है इसको नीचे डाले दे रहे हैं, जिससे कि पानी जो है बहुत अच्छे से यहाँ से विसरित हो जाए, यहाँ से छन जाए। पानी रुकना नहीं है, ये विशेष बात आपको ध्यान रखना है। और जो हमने ये इसके लिए स्पेशल हमने सॉयल बनाई है, उस सॉयल में हम इसको ट्रांसप्लांट अभी करने वाले हैं। दोस्तों देखिए ये वही वाला पान है, ये हमने जो 50 रुपये में ख़रीदा था नर्सरी से, इसकी एक पत्ती पीली भी हो गई, ये काफ़ी करीब एक महीना हो गया हमको लाए हुए, हमको टाइम नहीं मिल पाया था तो इसलिए आज इसको हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो जब भी आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो इसकी रूट बांड को थोड़ा सा लूज करने की कोशिश करें, और ये जैसी मिट्टी में लगा हुआ है बहुत टाइट मिट्टी है, तो हम खुरपी की जड़ से नोक से इस प्रकार से इसको थोड़ा सा लूज कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा इस बात का ध्यान रखें कि जड़ें जो है मेनली कटे ना, थोड़ा सा आपको लूज करना है और इस प्रकार से आपको इसको इसके अंदर ट्रांसप्लांट कर देना है, मिट्टी को बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसप्लांट कर देना। अभी दोस्तों जो हमने दूसरा वाला जो पान है उसके बारे में आपको बताने वाले जो महोबाई पान है, महोबाई पान का थोड़ा कलर अलग प्रकार का होता है। दोस्तों पान को हम पान की मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, इसको बहुत सारी दवाइयों में भी यूज करते हैं। दोस्तों देखिए बिल्कुल इसमें रेड सॉयल है और हमारे यहाँ रेड सॉयल में बहुत ज़्यादा इसकी देखिए रेड सॉयल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, ये बहुत चिपचिपी मिट्टी होती है तो बहुत सारे पौधे इसमें नहीं चल पाते हैं, लेकिन एक कलकत्ता वगैरह जहाँ से आते हैं वहाँ रेड सॉयल ही पाई जाती है। तो वहाँ ये क्या करते हैं कि पौधे को उगा करके और भेज देते हैं यहाँ, तो इसकी सॉयल को उसी प्रकार से हमें चेंज करना है। बाकी जो हमने अधिकतर इसकी जो सॉयल है उसको हम हटा देंगे, और इसमें एक इन्होंने स्टिक भी लगाई हुई है, अब हमारा जब बड़ा पान हो जाएगा तो उसमें हम एक स्टिक भी बनाना आपको सिखाएंगे। दोस्तों देखिए इसमें स्टिक लगी हुई है, स्टिक के चारों तरफ पे पौधा जो है वो इन्होंने लपेट रखा है। ये दोस्तों वही वाला पान जिसका हम जिक्र कर रहे थे, अब हमने इसकी मिट्टी को चेंज कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर हम आपको विशेष बात आपको बताने वाले हैं कि पान को सदैव आपको छाँव में रखना है, इसमें मुश्किल से बहुत छनती हुई धूप मिले, अगर ज़्यादा धूप मिल जाएगी तो आपका पान का पौधा चल नहीं पाएगा, आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। नमी को बरकरार रखना है, बाकी संभवतः इसमें कोई विशेष पेस्ट वेस्ट नहीं लगते हैं। और पहली बार में पानी को हम देखो अच्छी तरीके से इसमें डाले दे रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी, अगर आपने पान नहीं उगाया है तो आप अपने घर में पान जरूर उगाएं। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ, जिससे कि आप हमसे सदैव के लिए जुड़े रहेंगे। पौधों के संबंध में अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो में, आज के लिए बस इतना।